अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, मैंने सांप को खोल के दाना डाल दिया, ये देखें आप भी। ये देखें, ये मैंने कल वीडियो नहीं थी बनाई, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कल सफाई कर दी थी, आज सारी करेंगे। तो ये देखें, सबको मैंने दाना डाल दिया, अपना दाना खा लिया इन्होंने। वो देखें मुर्गियाँ, अब वहाँ पर दाना पड़ा हुआ है, वहाँ हम ला कर रखते हैं, तो वहाँ से जा खा रही हैं अब। तो इनको फिर से एक मरतबा डाल देते हैं, और हम आज अपनी असील मुर्गी और उसका बच्चा देखते हैं कैसा है। अभी मैं बाहर निकला था, ये देखें, ये हमारी असील मुर्गी, इसका बच्चा कहाँ गया, आवाज़ तो आ रही है, वो इसके पीछे है इसका बच्चा, वो देखें। अभी अभी बाहर आने की कार, ये इसे बाहर नहीं निकालना, ये वो दूसरों को मारती है इस वजह से। तो दोस्तों, मैंने सबको दाना पानी डाल दिया, और एक बात आपको और बताता हूँ अभी। तो दोस्तों, अभी सफाई भी करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है इसको यहाँ से रिमूव करके, तो यहाँ पर ये दीवार के साथ यहाँ पर भी केज बनाते हैं, इसके ऊपर भी बनाएंगे केज। तो ये वाला केज और वो रैबिट हाउस, ये ऐसे ही रहने देते हैं, जितनी जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी इनकी भी रख लेंगे, ये भी इसके साथ बराबर हो जाएगा। तो फिर इनके ऊपर इनकी छत इकट्ठी डाल देंगे, वो जो सिरकी पड़ी हुई है हमारे पास। तो अभी पापा से पूछना पड़ेगा, पापा जो कहेंगे फिर वही करेंगे हम। तो पापा से कहूँगा, वहाँ पर ईंटें भी पड़ी हुई हैं, वो भी ले आऊँगा पूछ के। तो वो सिरकी के दो पीस करवाने पड़ने हैं, वो बहुत बड़ी है इसलिए। तो अभी थोड़ी देर बाद जाता हूँ मिनी जू, अभी पापा बहन से लेने गए हुए हैं, तो आते हैं फिर उनसे बात करते हैं। तो थोड़ी देर बाद चलते हैं अपने मिनी जू, तब तक देखते हैं क्या करना आगे। तो दोस्तों, हम अपने उतनी देर अपने रैबिट के साथ खेल लेते, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे रैबिट, अपनी डाइट खा रहे हैं। इनको मैंने थोड़ी देर पहले गाजरें डाली थी, वो इन्होंने खा ली हैं, अब ग्रीन चारा खा रहे हैं। देखिए, अंदर भाग गए हैं। अभी दोस्तों, सारे छत की सफाई करने वाली है, वो भी करते हैं आज। वो देखिए, मैं उसका ऊपर ही कर रहे हैं शीट, इसके नीचे कर देते हैं, इसके बच्चे को ठंड ना लग जाए इस वजह से। तो दोस्तों, मैंने ना एक डॉग मंगवाया, अभी इसकी आंखें नहीं खुली, तो जब आंखें खुलेंगी तो कोई एक वीक तक हम ले आएंगे उनसे। तो वो कौन सी नस्ल का अभी बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, पहले याद नहीं था आ रहा, तो अभी याद आया, वो ना उसकी नस्ल है रूसी, तो वो भी लेंगे। तो हम मैंने अपने मामू को भी कहा हुआ कि वो उनसे लेने हैं हमने, वो जो छोटे छोटे होते हैं बड़े बालों वाले, तो वो भी लेने हैं, उनकी नस्ल वो होती है। तो उनकी नस्ल दोस्तों रूसी नस्ल के होते हैं, वो भी मंगवाएंगे। तो अभी चलते हैं अपने मिनी जू जाकर शहजादी और रानी से भी मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गए हैं अपने मिनी जू, तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ रानी शहजादी। तो दोस्तों, ये हमारी रानी और ये शहजादी बैठी हुई है, तो दोस्तों पापा अभी भी नहीं आए, तो मैंने नहीं पूछा, तो मैं अपने मिनी जू से भी होकर आ गया हूँ। आज मैं जल्दी आ गया, तो मुझे काम था थोड़ा सा, वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये वाली पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे उतार दिया, और ये वाली लगाने लगा हूँ छतरी अपने कबूतरों को बैठने के लिए। ये देखें, इसको इस तरह नहीं लगाना, इसके ऊपर नहीं लगाना, इसके आगे वाली साइड पर लगाना है। तो अभी लगाते हैं, लगाकर फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, ये देखें, मैंने लगा दिया इसे अपने कबूतर बिठाने के लिए। ये देखें, नीचे पत्थर रखा और बांध भी दिया सेफ्टी के लिए, हवा आए तो नीचे ना गिर जाए। तो अभी मैं कबूतर बंद करके उन्हें पकड़ता हूँ, और देखते हैं ऊपर बैठते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, मैंने इसे पकड़ लिया, अब ऊपर बिठाने की कोशिश करते हैं, अब बैठ गया तो ठीक है। तो दोस्तों, मैं इसे अब ऊपर बिठाता हूँ, बैठ गया तो ठीक है। तो
तो दोस्तों ये भी नहीं बैठा, मैंने पहले वो ब्लैक वाले को बैठाने की कोशिश किया, वो भी नहीं बैठा। उसके पाँव में धागा, वो उसे पकड़ के वो भी निकालते हैं धागा। तो अब उसे पकड़ता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों काले कबूतर को भी पकड़ लिया, अब इसके पाँव से निकालते हैं धागा। इसे मैंने घड़ी भी पहनाई हुई है 8 नंबर की। तो छोड़ दो इसे नीचे, वो देखे अभी भी नहीं बैठा। तो दोस्तों ये यहाँ पर नहीं अच्छी लग रही, वो कोने में लगाते हैं इसे। पहले इसकी रस्सी खोल लेते हैं, फिर इसे उठाकर वहाँ लगा देंगे। ताहर तो इसे उठाकर वहां पर लगा देते हैं इस रैबिट हाउस के ऊपर। तो दोस्तों मैंने इसे कोने में लगा दिया रैबिट हाउस के ऊपर। तो नीचे से मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, नीचे वो बाल्टी लगी है, इस वजह से मैंने पत्थर नहीं रखा। तो ये देखें, ये रस्सी इसके पीछे ईंट बांध के उस तरफ लटका दी है। तो ये देखें अब सही लग गया, हिल भी नहीं रहा, हवा आएगी तो ईंट की वजह से नहीं हिलेगी। तो अभी सफाई भी करते हैं दोस्तों, ये देखें कितना गंद है। तो दोस्तों मैंने सफाई कर लिया यहाँ से सारी, और वो जो है केज उसके अंदर मिट्टी डाल कर, तो अंदर थोड़ी सी तूड़ी बिछा दी या ईंटें लगा के, तो उसमें हम एक मुर्गियों का पेयर रखने लगे हैं। और ये देखे रैबिट ऊपर से बाहर आ गया, तो अब रखते हैं मुर्गियों का पेयर इसके अंदर। तो दोस्तों हम ये वाला मुर्गा और ये वाली मुर्गी रखने लगे हैं हम इसके अंदर। तो दोस्तों हमने उस तरफ तूड़ी बिछाई हुई है, उसके ऊपर दोनों जाकर बैठ गए। तो ये देखे इस तरफ मैंने मिट्टी डाली हुई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल पेट्स 609 को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।